हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे महर्षि पाणिनि के बारे में। तो महर्षि पाणिनि का जन्म 520 से 460 ईसा पूर्व पहले हुआ था। वो पंजाब के सलातुल पेशावर पाकिस्तान के पास जो है उत्तर पश्चिमी गंधार जनपद का हिस्सा था, वहाँ के वो रहने वाले थे। और उनके गुरु का नाम उपवर्ष, पिता का नाम पड़े और माता का नाम दाक्षी था। उनका जो जन्मकाल रहा है बड़ा ही कठोर कर्मठ रहा है। और उनके बारे में हम बता दें कि वो संस्कृत व्याकरण के रचना किए। तो कौन कौन सा व्याकरण का रचना किए थे उसके बारे में उस पर हम थोड़ा वो डालते हैं। तो अष्टाध्यायी, महेश्वर सूत्र, स्वर शस्त्र अष्टाध्यायी, शब्द विश्लेषण, धातु पाठ और धातु मूल, ये चार प्रकार का जो है उन्होंने रचना किया था। उनके जन्म के बारे में हम चर्चा करेंगे आप सभी से। तो पाणिनि बचपन में जब गुरुकुल में गए, जो उनके उपवर्ष जो गुरु थे उनके उनके जो गुरुकुल में पढ़ने के लिए जब गए, तो ऐसा हुआ कि उनके हाथ में जो है विद्या का रेखा नहीं था। तो विद्या का रेखा न होने के कारण और बहुत ही कम बुद्धि के व्यक्ति थे वो, उनके पास दिमाग नहीं था उतना, बुद्धि के तीव्र नहीं थे। तो उनको लोग सब लोग गोपदेव बोलते थे, गोपदेव ऐसे वो लोग उनको लोग बोलते थे। तो उनको क्या हुआ कि उनके गुरु एक दिन बुलाए, सबसे कमजोर छात्र थे और देखे कि ये तो कुछ करता नहीं है, कुछ पढ़ता नहीं, इसे तो आएगा ही नहीं। उनका हस्त रेखा जब देखे तो देखे विद्या का रेखा ही नहीं है। तो जब विद्या का रेखा न होने के कारण पूर्णिमा की रात थी और उनके गुरु ने बोला कि तुम्हारे बस का ये गुरुकुल नहीं है, शिक्षा पद्धति नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। उनके गुरु ने उन्हें गुरुकुल से निकाल दिया। जब पाणिनि चांदनी रात में चांद का प्रकाश पड़ रहा था, ये जब जाने लगे गुरुकुल से, तो कुछ दूर गए तो देखे कि कुछ औरतें घड़ा से पानी भर रही है और रसरी का निशान जो है कुआं के उस पर पड़ा हुआ है। तो देखे तो सोचे कि जब पत्थर पे एक रस्सी से निशान पड़ सकता है तो हमारा बुद्धि तीव्र क्यों नहीं हो सकता, और मैं अगर परिश्रम करूँगा तो क्यों नहीं मेरा बुद्धि तीव्र हो सकता है, मैं क्यों नहीं विद्वत्ता को प्राप्त कर सकता। और ऋषि पाणिनि, जो महर्षि पाणिनि जी थे, उन्होंने अपने हाथ में ऐसे रेखा काट लिया चाकू से और वापस गुरुकुल गए और गुरु उपवर्ष से बोले कि गुरुजी अब हम शिक्षा के लायक हो गए हैं। उन्होंने बोला कैसे, तो बताए कि ये जो हस्त रेखा मेरा नहीं था, हमने अपने धारदार चाकू से काट करके हमने अपना रेखा बना लिया। तो कहने का मतलब ये था उनका कि फिर वो बताए कि जब कुआं का जल निकालते टाइम रस्सी से जब पत्थर पर लकीर पड़ सकता है तो मेरा बुद्धि बार बार अभ्यास मात्र से क्यों नहीं तीव्र हो सकता है। और उनके गुरु ने उनको स्वागत से अपने आश्रम में, अपने गुरुकुल में रहने का स्थान प्रदान किया और वही गोपदेव आगे चल के पाणिनि बने और संस्कृत व्याकरण का रचना किए। तो संस्कृत व्याकरण का रचना में जो महेश्वर सूत्र है वो ऐसा वर्णमाला है जो शिव के डमरू के ध्वनि से उत्पन्न हुआ था। इनके पहले भी बहुत सारे ऋषि महर्षि आए और संस्कृत के बारे में जाना, लेकिन पाणिनि का जो संस्कृत व्याकरण है इसे प्रसिद्ध माना गया। ये पतंजलि के समयकालीन के थे। तो ऐसे ऐसे महर्षि, योद्धा, वीर और ऐसे ज्ञानी विद्वान हमारे समाज में रहे हैं और हमें कितना शिक्षा दिए, कितना ज्ञान दिए, ऐसे ऐसे लोगों को सम्मान है और उनको उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। और ये अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इस टाइप का अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए और ऐसे ऐसे महर्षियों के बारे में आप जानना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस टाइप का वीडियो अवश्य बनाऊँगा। हर हर महादेव।